हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस सीजलिंग। आज मैं आपके साथ ज़र्दा पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी मीठे चावल की रेसिपी। काफ़ी टेस्टी होता है खाने में ये, एंड इसे बनाना भी आसानी है। हम इसे थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में बनाएंगे आज। इसे बनाते कैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट्स बिगिन द रेसिपी। ज़र्दा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है बासमती राइस। देखिए, अगर आपके पास बासमती राइस नहीं तो आप नॉर्मल चावल का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी रेगुलर राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम चावल को अच्छे से वॉश करना होगा पानी की मदद से। यहाँ पे मैं चावल को दो बार अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इसे चावल को पानी डाल के सोक करना होगा एक 15 to 30 minutes तक, तभी पुलाव हमारा अच्छे से बनेगा। आफ्टर 30 minutes मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। पैन में ऐड किया है ऑयल। देखिए, इस ग्लास से मैंने एक ग्लास के करीब चावल लिया था, तो इसी ग्लास से मैंने 2 glasses ऑफ वाटर लिया है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, 1 glass ऑफ चावल के लिए 2 glass ऑफ वाटर। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे इलायची। 2 इलायची मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इलायची डालने के बाद हम इसमें डालेंगे फूड कलर। यहाँ पे मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आपका फेवरेट कौन सा भी फूड कलर इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे सोक किया हुआ चावल, जो कि हमने शुरू में सोख करके रख लिया था ना चावल को, वो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स करके पकाएंगे। थोड़ी देर तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही इसका फर्स्ट बॉयल आना शुरू हो जाए हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। आप देख सकते हैं ये पकना शुरू हो गया है, यानी इसका फर्स्ट बॉयल आ चुका है। तो मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। अब हम ये पानी कम्प्लीटली ड्राई होने तक पकाना चाहिए। सो आप इसको बीच बीच में चेक करते रहिएगा। ये पूरा पानी ड्राई होने के लिए लगभग 10 minutes तो टाइम लगेगा। सो देखिए, ये अच्छे से पक रहे हैं। देखिए, चावल को सोक करना डालना इम्पॉर्टेंट है, तभी ये अच्छे से खिले खिले बनेंगे चावल हमारे। देखिए, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। देखिए, ये ड्राई होना शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपको चावल को तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए, एक चावल हम एक 70 to 80% पकने तक हम इसे पकाएंगे। जैसे ही ये 70% तक पक जाए हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, यानी शुगर। सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शुगर। आप आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी शुगर डाल सकते हैं। मैं नहीं यहाँ पे डाल रही हूँ, जितनी क्वांटिटी में मैंने शुगर चावल लिया था बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी में शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा स्वीटनेस पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं शुगर का क्वांटिटी। सो इसमें मैंने शुगर ऐड किया है। अगर आप और भी ज़्यादा हेल्दी वर्जन में खाना चाह रहे तो आप इस शुगर के प्लेस में जैगरी भी ऐड कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावलों के साथ शुगर को। देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो करके इसे पकाएंगे। इसकी प्लेट ढक के हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमने सिर्फ 70% चावल को पकने के बाद इसमें शुगर ऐड किया है, बाकी के चावल भी इस शुगर में पक जाएंगे। देखिए, आफ्टर 5 minutes मैं यहाँ पे प्लेट ओपन किया है। देखिए, ये तो परफेक्टली पक रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसे ज़्यादा ड्राई ना करें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ड्राई हो जाएगा। सो अब हम इसे एक टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं। टेम्परिंग के लिए मैंने लिया है एक पैन। पैन में ऐड कर रही हूँ घी। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 tablespoon ऑफ घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप और भी ज़्यादा घी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ, इसलिए इसमें घी का क्वांटिटी कम लिया है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे ड्राई कोकोनट। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ ड्राई कोकोनट में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ड्राई कोकोनट में बना रही हूँ।
सो यहाँ पे मैंने इसमें ड्राई कोकोनट डाल दिया है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने तक हम इसे पकाना चाहिए, ऐसा बीच बीच में चेक करते रहिएगा। इसका कलर चेंज हो चुका है एंड ये हमारे चावल भी पक चुके हैं। अब हम इसमें टेम्परिंग ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ड्राई रोस्ट किया हुआ कोकोनट वाला टेम्परिंग ऐड कर रही हूँ। देखिए इसे थोड़ी देर तक पकाते, थोड़ा सा ड्राई होने तक पकाते, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के। अगर आप हाई फ्लेम पे रख के पकाएंगे तो अंदर से जल सकता है। देखिए इतना ही काफ़ी है, इसे और ज़्यादा मत पकाइएगा। देखिए ये कितना परफेक्टली पक चुका है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है ये। देखिए आप अंदाज़ा देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना डिलीशियस लग रहा है दिखने में। सो चलिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद हम इसे अच्छे से डिश आउट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गर्म भी खा सकते हैं या फिर ठंडा फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। देखिए ये ठंडा हो चुका है एंड थोड़ा सा ड्राई भी हो चुका है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है इसमें, काफ़ी टेस्टी बना है ये।